देश में कोरोना का कहर जारी है। आपसे हम बार बार अपील कर रहे हैं, कोरोना नियमों का पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, दो गज की दूरी बनाकर रखिए। 9 बजे की बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली और महाराष्ट्र से हम करना चाहते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर संकट खड़ा हुआ है। कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि दिल्ली के कई अस्पतालों में केवल 8 से 10 घंटे का ऑक्सीजन ही मात्र बचा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आगाह किया है कि अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्द से जल्द हो, इस बीच सीधे लिए चलते हैं आपको प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त एनआई को इंटरव्यू दे रही हैं। हर परिवार के सामने ये स्थिति पैदा हो रही है कि किस तरह से हम मेडिकेशन दिलवाएं, किस तरह से हॉस्पिटल में बेड दिलवाएं, किस तरह से ऑक्सीजन उपलब्ध होगा। डॉक्टर्स नर्सेस दिन रात काम कर रहे हैं और दिन रात काम करने के बावजूद, अस्पतालों के सारे रिसोर्सेज को लगवाने के बावजूद भी इतना बोझ आ रहा है कि संभला नहीं जा रहा है। तो इतनी भयावह स्थिति है। इस समय हम सबको, पूरे देश को एकजुट होकर इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे किसी भी व्यापार में कुछ भी हो, जिस तरह हर तरह से हमें मदद करनी चाहिए। हर जने को अपने स्तर पर जो भी वो कर सकता है किसी और की मदद करने के लिए, किसी और के लिए सपोर्ट बनने के लिए, वो हमें करना चाहिए। तो मैं तो सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी भी परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल हैं। उनके परिवार भी उनके बारे में बहुत ही वरिड होंगे। और मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज फ्रंट लाइन्स पे इस देश के लिए लड़ रहे हैं। और मैं देशवासियों को कहना चाहती हूँ कि हम सब आपके साथ हैं इस लड़ाई में, हम इकट्ठे हैं, साथ हैं, और हम पूरी तरह से जो भी कर सकते हैं आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। हौसला रखिए, सबके सामने एक बहुत बड़ा संकट है। इस समय जितना पॉजिटिव रह सकते हैं, जितना हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को जितना हम हौसला दे सकते हैं, उतना ही अच्छा रहेगा सबके लिए। और ऐसे ही हम इस महामारी का सामना कर सकेंगे। मैम, ये पहली वेव जो है वो दूसरी, पहली वेव जब निकल के गई और अब दूसरी वेव जो आई है, ये और ज्यादा घातक है। मौत का आंकड़ा पड़ रहा है, लगातार 2.5 लाख, 3 लाख तक जो है केसेस पहुंच रहे हैं और डबल अटैक कर रहा है। ये वायरस तो तैयार होके आया है। क्या लगता है आपको कि सरकार की तैयारी नहीं रही या जो हम डिफेंस अपना नहीं जो रख पाए और स्थिति आज इस तरीके की है कि लोगों को बिना ऑक्सीजन के सड़क पर बैठना पड़ रहा है, एम्बुलेंस के अंदर लोगों की मौत हो रही है, दहलीज तक पहुंच के अस्पताल की वो लोगों को इलाज नहीं मिल पा। देखिए, आज देश भर से रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रेपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इंडियाज प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। आप रेमडेसिविर को देखिए, रेमडेसिविर आज एक एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर इंजेक्शंस वर एक्सपोर्टेड, 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से।
पिछले 6 महीनों में और आज हमारे पास कमी है। आप वैक्सीन्स को लीजिए, सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की है पिछले 6 महीने में, ज्यादा पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेके मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई है हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन्स। और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दिया आपने, तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा, आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी, अपने पीआर में आप पड़े रहे। और हमें हर हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन, आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है, तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है, बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है, बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए, कोई स्ट्रेटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाया, आपने अपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई, आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे। तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। और किस चीज में व्यस्त हैं आज भी, आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं। यही बात, जहां से भी रिपोर्ट आ रही है लोग रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए, और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं, मैम यही मेरा सवाल है कि चुनावी रैलियों को क्यों नहीं कोरोना छू रहा है या उन राज्यों में कैसे कह सकते हैं कि नहीं छू रहा है, कोई जाके चुनावी रैलियों में टेस्ट करा रहा है, कोई चेक कर रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, 40,000 लोग 30,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपने अभी तक नहीं किया, अब तो करिए, अब तो रोकिए। जब ये संक्रमण इतना बढ़ गया है, आप यूपी के आंकड़े देखिए, 4 तारीख या 5 तारीख से 16 तारीख तक 7 गुना संक्रमण बढ़े हैं, तो इसी तरह से पूरे देश में बढ़ रहे हैं, और जब इतना बढ़ रहा है तब तो रुक जाइए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं जबकि टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ी है, और सबसे ज्यादा जो जो अभी हम असेसमेंट लगती है वो ये लगती है कि पहली वेव में ये संक्रमण, ये वायरस सिटीज में था, आज ये देहात तक पहुंच गया है। शायद ही कोई ऐसा जिला बचा है उत्तर प्रदेश का जहां से नंबर्स ना बढ़ रहे हों और टेस्टिंग ना होने की बात, एडमिशन ना होने की बात और ऑक्सीजन ना होने की बात सामने आ रही हो। तैयारियों को कैसे देखती हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार की, और उनके दावों को कैसे देखती हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं पूरी तरीके से, सरकार मुस्तैद है। देखिए, उनके दावों के बारे में तो कम ही बोला जाए, क्योंकि उन्हीं का जो सीरो सर्वे है उसके मुताबिक, जो अक्टूबर नवंबर के समय का सीरो सर्वे है उसके मुताबिक 5 करोड़ लोगों को, तकरीबन उन्होंने कहा था 5 करोड़ लोग कांटेक्ट आए हैं, इस वायरस के कांटेक्ट में आए हैं उस समय, और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि टेस्टिंग आप एकदम रैंप अप कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए। सरकार, यूपी सरकार ने क्या किया, यूपी सरकार ने 70% एंटीजन टेस्टिंग शुरू की, मतलब है कि जो एक्चुअल टेस्ट है, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट है, वो सिर्फ 30% हो रहा है आज यूपी में। उस समय उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया, उसको बढ़ाने के बजाय एंटीजन टेस्ट क्यों शुरू किया, अपने आंकड़ों को कम करने के लिए। आज भी प्राइवेट लैब्स में तरह तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं हर जगह से कि प्राइवेट लैब्स को कहा गया है कि आप टेस्टिंग बंद करिए। किस लिए, किस लिए, टेस्टिंग से ही तो जान बचेगी, तो क्या जनता के की जान महत्वपूर्ण है, लोगों की जान महत्वपूर्ण है, कि फिर आपके आंकड़े महत्वपूर्ण है, कि आपकी सरकार की इमेज महत्वपूर्ण है।
तो देखिए ये समय है, यूपी में कोई अलग स्थिति नहीं है पूरे देश से, सिर्फ ये है कि और भी भयानक स्थिति है। बट जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी की जो स्थिति है वही है जो जो केंद्र सरकार की है, मतलब की ही नहीं गई है। ना बेड्स उपलब्ध कराए इन्होंने, महीने पड़े थे, स्टेडियम्स हैं आपके पास, इतनी मतलब इतनी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आपने बेड्स को इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं डाली? आपने ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं किया? मतलब देखिए मैं कई दिनों से, आपको भी मालूम होगा, आपके आपके साथ भी यही हो रहा होगा, हर जगह से ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सरकार क्या कर रही है। शमशान घाटों पर इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग कूपन्स लेके खड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले मुझे बताया गया कि 12 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, लकड़ी नहीं मिल रही। मतलब ये स्थिति आ गई कि हम लोग सोच रहे थे कि किस तरह से हम मदद करें, क्या हम किसी भी तरह से कोई लकड़ी उपलब्ध करा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, और हम खुद सोच रहे हैं कि हम क्या करें इस स्थिति में, जो सरकार को करना चाहिए था सरकार नहीं कर रही है। जब ये बाहर बात निकली, जब एक वीडियो निकला कि ये हो रहा है कि इतने सारे शव जलाए जा रहे हैं लखनऊ के शमशान घाट पे, तो इन्होंने क्या किया, स्टील की शीटिंग लगानी शुरू कर दी। किससे छिपा रहे हैं? पब्लिक तो देख रही, पब्लिक तो जी रही है ना, पब्लिक त्राही त्राही है। अस्पतालों के बाहर बैठ के रो कौन रहा है? तो आप पब्लिक से क्या छुपाना चाहते हैं? इस समय मैं देखिए पूरी सकारात्मक तरह से ये कह रही हूं, मैं बिल्कुल क्रिटिसिज्म के तौर पर नहीं कह रही हूं, मैं सकारात्मक तरह से, कंस्ट्रक्टिव तरह से ये कह रही हूं, भगवान के लिए सरकार कुछ करे। जितनी भी उनके पास रिसोर्सेज है वो कोरोना की लड़ाई में डाले। जब लोगों को पता चलेगा कि ये आंकड़े हैं, जब लोगों को सच्चाई पता चलेगी, तो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, लोग घर पे रहेंगे, टेस्टिंग बढ़ाइए ताकि आपको लोगों को मदद हो, उनको पता चले कि हाँ हम संक्रमित हैं, हमें बाहर नहीं जाना है, हमें दवाइयां देनी, दवाइयां दिलवाइए, बेड दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए। अभी भी किया जा सकता है, अभी भी ऑक्सीजन की सुविधा बनाई जा सकती है, अगर केंद्र सरकार अपनी अपना मन बनाए तो अभी भी तमाम ऐसे रिसोर्सेज हैं सरकार के पास कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में डाली जा सकती हैं, अभी भी किया जा सकता है। तो अगर आप मेरे से ये पूछें कि प्रेपरेशन नहीं था, वो तो स्पष्ट है। मैं वैक्सीन को लेकर आपसे पूछना चाहूंगा, वैक्सीन की आपने बात करी, हमने एक्सपोर्ट भी करी और विपक्ष लगातार जो है सुझाव भी दे रहा था, चाहे राहुल गांधी जी हों, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हों, सीडब्ल्यूसी तक कन्वीन करी गई और सुझाव दिए गए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चिट्ठी तक लिखी। उसके बाद में ये सवाल भी उठा, पलटवार किया गया सरकार की तरफ से कि आज वैक्सीन की बात कर रहे हैं 18 साल या 25 साल की उम्र की वैक्सीन को लेकर, तो सबसे पहले सवाल उठाए थे तो वो कांग्रेस के नेताओं ने ही उठाए थे, कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए थे, और आज वैक्सीन को लेकर इतना हाहाकार क्यों किया जा रहा है? देखिए पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी इस देश के 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे, पूरा देश जानता है कि कितने डिग्निफाइड इंसान है और कितनी उनको सरकार चलाना आता है और एक विजनरी है। अगर वो आपको सुझाव दे रहे हैं इस समय जबकि देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, इतना बड़ा संकट है हमारे सामने, अगर वो सुझाव दे रहे हैं तो सुझाव को उसी डिग्निटी के साथ, उसी ग्रेस के साथ लीजिए जिस तरह से उसको वो सुझाव दिया जा रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी का आज यही धर्म है और यही ड्यूटी है, हम सब एक होकर, राजनीति से परे हटकर एक होकर इस महामारी का सामना करें। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, पहली वेव से पहले भी पिछले साल फरवरी में उन्होंने चेताया था सरकार को, तमाम बातें लगी थी, उसके बाद कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए उन्होंने कहा कि हमें वायरस को चेज नहीं करना है, वायरस से आगे रहना है। आज भी उन्होंने बात कई बार कही है, बाकायदा चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री से कहा।
क्या लगता है आपको कि सरकार ने उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया? क्या ये सरकार की उदासीनता लगती है आपको या कोई अहंकार लगता है? और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपोजिशन से संवाद क्या होना चाहिए इतने बड़े इशू पे कि जब एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है इस देश के अंदर, तो वहां डेमोक्रेसी की वैल्यू जो अपोजिशन और सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलनी चाहिए, वो आपको लगता है कहीं मिसिंग है? देखिए, ये सरकार आईएसआई से बात कर सकती है। दुबई में इनके इनका वार्तालाप चल रहा है आईएसआई के साथ, विपक्ष के नेताओं से बात नहीं कर सकती। जब विपक्ष के नेता सिर्फ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहे हैं, आज मैं नहीं समझती कि एक भी ऐसा विपक्ष का नेता है जो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव तरह से इनको सुझाव नहीं दे रहा। और सब कह रहे हैं, सब राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, हम साथ हैं आपके, हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम मदद करना चाहते हैं, ये इस महामारी का सामना हमें इकट्ठे करना है। तो ये डेमोक्रेसी, आपने कहा लोकतंत्र है। तो बड़ा बयान देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सरकार दुबई में आईएसआई से बात कर सकती है, लेकिन वो विपक्ष जो लगातार सुझाव दे रहा है उससे बात करने को राजी नहीं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।